नमस्कार रेल साथियों, हम फिर आ गए हैं एक नया पेपर लेके और एक नया वीडियो लेके। और हम जो ये वीडियो लेके आए हैं उसमें आपके इंटरमीडिएट JEE CNW मैकेनिकल का पेपर है और ये आपके WCR डिवीजन का है। और इसमें जो अपेयर हुए थे एग्जाम में वो श्री संजय मीणा जी इसमें अपेयर हुए थे और उन्होंने ही ये पेपर BR क्लासेस को शेयर किया है। तो इस पेपर में जो शेयर किया वो श्री संजय मीणा जी ने किया है BR क्लासेस। तो सबसे पहले हम श्री संजय मीणा जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने BR क्लासेस को ये पेपर शेयर किया। धन्यवाद संजय मीणा जी, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप JEE बने और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है। तो BR क्लासेस की और BR क्लासेस का जो परिवार है, कमेटी मेंबर्स हैं, जो मैकेनिकल के कमेटी मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। जो हमारी मैकेनिकल की जो कमेटी है उसमें श्री सोनू जंगरा जी हैं और उस कमेटी में श्री सीमांत मीणा जयपुर से हैं और जो तीसरे कैंडिडेट हैं वो विकास कुमार जी हैं, वो बिहार से हैं। तो थैंक यू वेरी मच हमारी कमेटी को और श्री सोनू जंगरा जी को, जिनका विशेष योगदान रहा सोलो कमेटी में। और संजय मीणा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ये उन्होंने BR क्लासेस को ये पेपर शेयर किया। तो चलिए हम इस पेपर को देख लेते हैं, WCR डिवीजन का है। तो इसमें देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये सामने आ चुका है क्वेश्चन पेपर, आप देख रहे हैं सामने। जूनियर इंजीनियर CNW 25% LDC कोटा, जूनियर इंजीनियर कैरिज एंड वैगन 25% LDC कोटा है। ये कंडक्ट हुआ है आपके 24/7/2022 को, 24 जुलाई 2022 को, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। और इसके जो मार्क है 100 है, अधिकतम अंक 100 है। और दिस क्वेश्चन पेपर कॉन्टेंट्स 110 क्वेश्चन, इस प्रश्न पत्र में कुल 110 प्रश्न पत्र हैं। आंसर एनी 100 क्वेश्चन ओनली, केवल 100 प्रश्नों को आप हल करेंगे 110 में से। यदि आप 100 प्रश्नों से ऊपर बढ़ते हैं तो जो श्रीमान कंप्यूटर महोदय जी हैं वो आपके प्रश्नों को चेक नहीं करेंगे। इसलिए आप 100 से ऊपर नहीं बढ़े, मैक्सिमम 100 करें। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आप ध्यान रखें। खैर, हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया नहीं है, इंडिकेट नहीं किया है मार्केटिंग। ऑल क्वेश्चन बियर 1 मार्क, सभी प्रश्न 1 अंक के हैं। द क्वेश्चन पेपर इज अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। इन केस ऑफ एनी डाउट द इंग्लिश वर्जन शैल बी प्रेफर्ड। अगर आपको डाउट होता है हिंदी में, हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है आपके, हिंदी भाषा क्लिष्ट है या हिंदी में डाउट है या प्रश्न में डाउट है या उसके उत्तर में डाउट है, तो इस कंडीशन में आपका जो इंग्लिश वर्जन है वही मान्य होगा, उसी के अनुसार कॉपी चेक होगी और वही प्रश्न और उत्तर माना जाएगा। हिंदी में ये प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, किसी भी संदेह के मामले में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो देख लीजिएगा, व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट ऑफ लिंक ऑफ मैन बुश व्हील डायामीटर। सबसे पहले जरूरी आपको ये है कि LHB को आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। बहुत से लोगों को ये जो LHB की जो फुल फॉर्म है वो भी नहीं आती है, वो स्पेलिंग में कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। तो लिंक ऑफ मैन बुश होता है LINKEHOFMANN, और BUSCH होता है, लिंक ऑफ मैन बुश होता है इसका, लिंक ऑफ मैन बुश होता है। व्हील डायामीटर LHB, व्हील की कंडमिंग लिमिट क्या है।
तो ये जो एलएचबी की कंडेमिंग बिल है, जो नया चक्का है वो 915 का आता है, एलएचबी का जो नया चक्का है वो 915 का आता है आपके, और ये एलएचबी का नया चक्का 915 का आता है, और आपके जो आईसीएफ आरसीएफ है, आईसीएफ और जो आरसीएफ है उसका चक्का भी नया 915 का आता है। अब यहाँ हम कंडम की बात करें तो एलएचबी का जो कंडम है वो 855 कर दिया गया है, पहले ये 845 था, पहले ये 845 था, अब इसको 855 कर दिया गया है। ये आप ध्यान रखें, यदि ऑप्शन में 855 आपको मिलता है तो आप 855 लगाइएगा, और यदि 855 आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप 845 लगा सकते हैं। और आईसीएफ आरसीएफ के लिए 825 होता है कंडम, और जो सोप इशू साइज है वर्कशॉप का वो 837 mm है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एलएचबी का जो सोप इशू साइज है वो भी आप ध्यान रखें, उसके लिए आप 842 mm है, जो सोप इशू साइज है एलएचबी का 842 है, आईसीएफ आरसीएफ का 837 है, कंडमिंग साइज जो आईसीएफ आरसीएफ 825 mm है, और एलएचबी का आपके 855 है, और यदि ऑप्शन में 855 आपको नहीं मिलता है, 845 है, तो 845 लगाना है आपको, लेकिन यह 855 है इसलिए हम यह 855 लेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट में। प्रश्न नंबर 2 है, यहां अपन देखते हैं हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन एलएचबी व्हील, एक एलएचबी पहिए पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। एक एलएचबी पहिए पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, एलएचबी व्हील, एलएचबी पहिए पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। तो ये जो आपका पहिया है तो एक डिस्क ब्रेक यहां लगा होता है और एक डिस्क ब्रेक यहां लगा होता है, फिर ये ट्रॉली हो गई, तो एक डिस्क ब्रेक यहां लगा होता है और एक डिस्क ब्रेक यहां लगा होता है, तो इस हिसाब से हम देखें तो ये एक पहिए पर एक बनता है, एक एलएचबी पहिए पर, और ये ट्रॉली में चार बनते हैं। पूछा भी जाता है कि एक एक्सल पर डिस्क ब्रेक, तो यहां जो आंसर बनेगा आपका हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन एलएचबी व्हील, एक एलएचबी पहिए पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। तो यहां पर एक ही बनेगा, चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ साइड सीबीसी अबव रेल फॉर एन एमपीटी एलएचबी व्हीकल, एक खाली एलएचबी वाहन के लिए रेल के ऊपर सीबीसी साइड की सेंटर लाइन की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो ये जो आंसर है आपका 1105 mm है, ये टेयर कंडीशन में है, ये भी आप ध्यान रखें टेयर कंडीशन में है ये, और यदि वो लोडेड कंडीशन में पूछता है आपको, लोडेड कंडीशन में पूछता है तो आपका 1030 mm हो जाता है। अगर वो लोडेड कंडीशन में पूछे तो 1030 mm, और यदि टेयर कंडीशन में पूछे तो 1105 mm। तो यहां जो आपका आंसर होगा वो सी आंसर होगा, थर्ड में सी।
नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज इन एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोचों में किस प्रकार के रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है आपके सीटीआरबी, सीटीआरबी होता है कॉर्टरीज टेपर रोलर बियरिंग, कॉर्टरीज टेपर रोलर बियरिंग। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है सीटीआरबी की, तो सीटीआरबी की आप फुल फॉर्म ध्यान रखें। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, सी से आपके कॉर्टरीज, टी से आपके टेपर्ड, आर से आपके रोलर और बी से आपका बियरिंग, तो कॉर्टरीज टेपर रोलर बियरिंग। तो यहाँ फोर्थ में आपका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द न्यू व्हील फ्लेंज इन एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोचों में न्यू व्हील फ्लेंज की मोटाई कितनी होती है? वो होती है आपके 28.5 mm है। यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो 28.5 mm बनेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शोक एब्जॉर्ब आर यूज इन एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोचेज में कितने प्रकार के शोक एब्जॉर्ब का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो शोक एब्जॉर्ब प्रयोग किया जाता है वो चार प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी होता है, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है आपके लेटरल, और चौथा होता है या डैम्पर। ये चार प्रकार का होता है, जिसमें आपके प्राइमरी चार होते हैं एक बोगी में, एक बोगी में, ये भी आप ध्यान रखें, एक बोगी में चार होते हैं ये, दो सेकेंडरी में होते हैं, एक लेटरल होता है, दो या डैम्पर होते हैं। तो इस हिसाब से ये एक बोगी में 9, 4, 2, 6, 6 एक साथ 7 और 2 9, एक बोगी में आपके ये 9 हो जाते हैं, तो पूरे कोच में ये 9 और 9 डबल 18 नग हो जाएंगे, 18 नग हो जाएंगे, ये भी आप यहाँ ध्यान रखें। तो यहाँ जो प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, चार, चार शोक अब्जर का, एलएचबी कोच में कितने प्रकार के शोक अब्जर का, तो चार प्रकार के, चार प्रकार हैं आपके प्राइमरी सेकेंडरी लेटरल और या डैम्पर। चार प्राइमरी होते हैं, दो सेकेंडरी होते हैं, एक लेटरल होता है, दो या डैम्पर होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी शोक एब्जर्ब्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में कितने शोक एब्जर्ब का उपयोग किया जाता है? तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको 9 और 9 18, यानी एक बोगी में 9 होते हैं, तो दोनों एक कोच में दो बोगी होते हैं, दोनों में 18 नग हो जाएंगे, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ शोक एब्जर्ब कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी, बोगी और बॉडी के बीच शोक एब्जर्ब का नाम क्या है? तो ये है आपका कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी के बीच शोक एब्जर्ब का नाम क्या है? तो ये आ जाएगा आपका या डैम्पर, या डैम्पर फिटेड होता है, या डैम्पर इसके अंदर फिटेड होता है, तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 में सी। एंड 9 नंबर, व्हाट इज लेंथ ओवर सीबीसी ऑफ एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोच की लेंथ ओवर सीबीसी क्या है? तो देखिए ये जो 23,540 mm होती है, ये होती है आपके कंप्लीट बॉडी लेंथ होती है ये, और यहाँ जो सी बी सी पूछा है, सी बी सी ऑफ एल एच बी कोचेज, सेंटर बफलर कपलर, सी बी सी का फुल फॉर्म होता है सेंटर बफलर कपलर, तो इसका जो सी बी सी से सी बी सी पूछा है वो आपके हो जाएगा 24,000, वो हो जाएगा आपके 24,000 mm। ये जो आंसर है यहाँ 24,000 mm, ये ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यदि वो ओवरऑल बॉडी लेंथ पूछता तो 23,540 mm आपका राइट आंसर होता है, अक्सर ये पूछा जाता है एलएचबी की 23,540, तो ये भी ध्यान रखें, और सीबीसी से सीबीसी 24,000 भी ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 10 है, एलएचबी कोचों का राइडिंग इंडेक्स पूछा है, तो ये आपके 2.50 से आपके 2.75 तक होता है, तो यहाँ अगर वो मैक्सिमम पूछता तो 2.75 हो जाता,
वैसे इसको 2.5 या 2.50 आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका सी आंसर बनेगा, तो 10 में सी आंसर आपका करप्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोच इज डन। LHB कोच की D3 अनुसरण की अनुसरण की जाती है, तो वो है आपके 180 प्लस माइनस 15 डेज। यहाँ पर D1 की बात करें तो D1 आता है ऑन एवरी ट्रिप आता है, और D2 की बात करें तो D2 आता है आपके नंबर डेज प्लस D3 मेंटेनेंस शेड्यूल 90 90 डेज 3 मंथ ऑन एवरी ट्रिप 3 मंथ। LHB कोच का D3 SS1 9 डेज प्लस माइनस 60 डेज, ठीक है, और D3 हो जाएगा आपका 180 D3 हो जाएगा आपका 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, SS2 ऑफ LHB कोच इज डन। तो यहां अपन तीनों ही देख लेते हैं। SS1 होता है जो आपका, वो होता है डेड ईयर जिसको अपन बोल सकते हैं। डेड ईयर को क्या बोल सकते हैं अपन, 18 महीने। डेड ईयर को बोल सकते हैं अपन 18 मंथ बोल सकते हैं, और ये होता है 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। SS2 होता है आपके T3 ईयर और 36 मंथ और 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो, और SS3 होता है आपके 6 ईयर या 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। तो यहाँ SS2 का पूछा है, तो 3 ईयर 12 लाख किलोमीटर, ये जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोडल लाइफ ऑफ LHB कोचेज इज, LHB कोच की कोडल लाइफ होती है। तो ये जो 25 ईयर्स है ये आपके ICAPRCF के लिए है, ये आपके ICAPRCF के लिए है, लेकिन इसमें भी रेलवे बोर्ड का लेटर आ चुका है। जो रेलवे बोर्ड का लेटर आ चुका है वो बोल रहा है कि अब इनको 25 के बजाय 20 पे ही कंडम कर दो। और 20 पे ही कंडम क्यों कर दो, क्योंकि अब जो भारतीय पटरियां हैं उन पे LHB कोच दौड़ाने हैं। तो अब इनको जो 25 साल है इनको अब 20 साल पे कंडम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो RCF जो इनको जो RCF है उनमें ICAPRCF का कोच मार्च 2018 से ही इनका काम बंद हो गया है। अब ICAPRCF नहीं, मतलब LHB कोच का जमाना आ गया है, LHB कोच ही बन रहे हैं, और इनका प्रोडक्शन भी मार्च 2018 से बंद कर दिया गया है। तो LHB कोच की कोडल लाइफ कितनी है, तो ये 35 वर्ष अब इसको रेलवे ने मान लिया है, और जहाँ से इसका प्रोडक्शन हो रहा है RCF कपूरथला और ICF
वहां से भी इनको अभी जो इनकी कोडल लाइफ है वो 35 वर्ष LHB कोच की मान ली है। पहले ये था नहीं, इसका कंफर्म था नहीं, लेकिन अब इसका लगभग कंफर्म हो गया है। जैसे पहले भी जो LHB का जो व्हील चक्का था उसका पहले 845 mm मान रखा था, लेकिन बाद में लेटर आया कि नहीं इनको 855 को माना जाए, तो अब इसको 855 मानते हैं। वैसे ही यहाँ LHB कोच का पहले माना नहीं था, वो एक कंफ्यूजन था, रेलवे का कोई स्पष्ट लेटर नहीं था, लेकिन अब इसको मान लिया है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो 35 वर्ष है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है अलाउड ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेज फ्रॉम आउट स्टेशन एंड रूट इज, राजधानी कोच में आउट स्टेशन एंड रूट पर परमिशेबल ब्रेक पावर है, तो वो है आपके एंड रूट की बात कर रहा है। तो जहां पे ये एंड रूट हो जाए, जहां पे ये एंड रूट हो जाए वहां पे आप 90%, और जहां मूल स्टेशन की बात करें, प्रारंभिक स्टेशन की बात करें, वहां 100%। तो ये जो 100% है ये मूल स्टेशन या प्रारंभिक स्टेशन का है, और ये एन रूट का है 90%। तो यहाँ 14 पे ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नाउन एज, इंजन और पावर कार के बीच स्लाइडिंग को रोकने हेतु डिवाइस का नाम क्या है। तो वो डिवाइस है आपके रेस्ट्रिक्टर, ये आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है, द फायर एक्सिक्यूशन यूज इन ACLHB कोचेज, ACLHB कोच में प्रयोग होने वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं तो वो DCP टाइप होते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर, वो जो आपके होते हैं DCP टाइप के होते हैं। DCP की फुल फॉर्म होती है यहाँ ड्राई केमिकल पाउडर, इसकी ये फुल फॉर्म होती है ड्राई केमिकल पाउडर टाइप DCP टाइप, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, फायर एक्सटिंग्विशर भरा जाना चाहिए, तो ये आएगा आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, ऑप्शन सी आंसर इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 18 है, 125 लीटर AR टैंक यूज्ड फॉर, तो 125 जो लीटर का जो उपयोग होता है वो आपका होता है ब्रेकिंग पर्पज से, और जो 75 लीटर का प्रयोग होता है वो होता है टॉयलेट पर्पज से। तो यहाँ 125 और 75 दो होते हैं, एक 75 लीटर का होता है, एक 125 लीटर का होता है, टोटल ये 200 लीटर का होता है। तो यहाँ जो 125 लीटर का होता है वो ब्रेकिंग हेतु तो होता है, ब्रेकिंग पर्पज से होता है, और जो 75 लीटर का होता है वो टॉयलेट पर्पज के हिसाब से होता है। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा 18 में बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, ब्रेक एक्सीलरेटर एक्चुएट्स ड्यूरिंग, ब्रेक एक्सीलेटर कब ऑपरेट होता है, तो ये होता है आपके एवरी सर्विस एप्लीकेशन, प्रत्येक सर्विस एप्लीकेशन में, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में, बोथ ए एंड बी दोनों, तो यहाँ हो जाएगा आपका जो ब्रेक एक्सीलेटर होता है वो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ आंसर जो 19 में बनेगा वो ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। प्रश्न संख्या 20 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल, डंप वाल का क्या उपयोग है। तो डंप वाल का सभी एक्सल में लगभग स्पीड बराबर रखना, टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल, सभी एक्सल में लगभग स्पीड बराबर रखना, बिल्कुल राइट। टू प्रोटेक्ट व्हील्स अगेनेस्ट स्किडिंग, व्हील को स्किडिंग से रोकना, ये भी बिल्कुल राइट, बोथ ए एंड बी, हाँ बिल्कुल सी, तो यहाँ आपका सी आंसर बनेगा, ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर का
क्या पर्पज है, क्या उपयोग है, क्या उद्देश्य है इस स्पीड सेंसर का। तो टू कंप्यूट द रेवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सल, प्रत्येक एक्सल को रेवोल्यूशन काउंट करना। टू मेंटेन सेम स्पीड ऑफ एच एक्सल, सभी एक्सल में स्पीड बराबर रखना, स्पीड सेंसर। और बोथ ए और बी ऑन ऑफ दी, सभी एक्सल में स्पीड बराबर रखना, ये स्पीड सेंसर का काम नहीं है। प्रत्येक एक्सल को रेवोल्यूशन काउंट करना, हाँ ये काउंट करने का काम उसका है। ये बताता है कि क्या चारों जो व्हील है, चारों एक्सल है, क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या एक एक्सल प्रॉपर काम कर रहा है, उसके बारे में ये बताता है कि चारों एक्सल क्या प्रॉपर काम कर रहे हैं या वन एक्सल काम कर रहा है, उसके बारे में बताता है। तो एक काउंट रेवोल्यूशन काउंट करना ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है 21 में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, सेंसर और फोनिक व्हील के बीच गैप की सीमा क्या है। तो यहाँ पे जो गैप की बात कर रहा है, सेंसर और फोनिक व्हील के बीच की गैप की सीमा, तो ये जो गैप की सीमा है ये आपके 0.921.4 mm होती है, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, जो कि आपके ऑप्शन सी में। तो इस हिसाब से आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, द 99 कोड शो ऑन माइक्रो प्रेशर मीन्स, माइक्रो प्रेशर में जो 99 कोड का क्या मतलब है। तो 99 कोड का मतलब यह होता है कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, यानी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, ये 99 का मतलब होता है। और इसके अलावा आपके यहाँ होता है 72, 73 और 95। तो ये होता है कि 72 का मतलब होता है एक अक्सल में गड़बड़ है, और यहाँ 2 का मतलब है कि दो एक्सल में यहाँ दिक्कत है, ये एक्सल के हिसाब से बताता है कि प्रॉपर काम नहीं कर रहा। और जो 95 है ये बताता है कि होल सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और ये जो करेक्ट कर रहा है जो काम, होल सिस्टम वर्कली परफेक्टली, ये 99 के लिए है। और ये एक एक्सल के लिए है, वन एक्सल के लिए बेहतर है। यदि एक एक्सल आपका काम नहीं करता तो 72 का कोड शो करेगा, और यदि आपके दो एक्सल माइक्रोप्रोसेसर में है, मतलब एक्सल, तो वो दो एक से ज्यादा यानी दो बताएगा तो 73 के लिए काम करेगा। और यदि होल सिस्टम आपका परफेक्टली काम कर रहा है तो 99 बताएगा। तो ये यहाँ पे ये चार अंक बहुत ही जरूरी है, 72, 73, 95 और 99। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो 99 का है। तो यहाँ होल सिस्टम वर्कली परफेक्ट, सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ ऑप्शन 23 में ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है PASD, इसको पायलट वाल्व भी बोला जाता है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार, तो आपको इसको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसको पायलट वाल्व भी बोला जाता है, PASD वाल्व को पायलट वाल्व भी बोला जाता है, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रहनी चाहिए, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस प्रोवाइडेड इन LHB लिंक ऑफ मैनगोस कैन बी रिसेट। LHB में PASD कैसे रिसेट किया जाता है, तो ये जो आपके रिसेट किया जाता है LHB में, तो जहां से चेन खींची गई है वहीं से इसको रिसेट किया जाता है, ये ध्यान रखें। तो इसमें सी आंसर है। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इज, नए ब्रेक पैड की मोटाई क्या है, तो ये LHB के लिए पूछा है आपको। तो LHB में नए ब्रेक पैड की जो मोटाई होती है वो आपके 35 mm होती है, और कंडम जो साइज होती है, कंडमन जो साइज होती है वो होती है आपके 7 mm, कंडमन जो साइज होती है वो 7 mm होती है, और नए ब्रेक पैड की मोटाई 35 mm होती है। ये किसके लिए है, ये LHB के लिए है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है, इन LHB कोच मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन
केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज एलएचबी कोच में अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होता है। तो यहाँ पे जो अधिकतम ब्रेक प्रेशर सिलेंडर होगा वो होगा आपके 3.0 प्लस माइनस, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इकाई ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो एलएचबी कोच में अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होता है वो होता है आपके 3.0 प्लस माइनस 0.1 केजी सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो ये आपके ऑप्शन ए में है, तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड। तो जो ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच का जो अधिकतम गैप होता है, मैक्सिमम गैप की बात कर रहा है ये, मैक्सिमम गैप की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम गैप होता है आपके 1.5 mm, ये आप रट लीजिएगा। तो ये आपके ऑप्शन डी में है, इसलिए यहाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन एक्सल, एक एक्सल में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। एक एक्सल में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, देखिए ये प्रश्न आ गया है, मैंने बताया था ये आपका एक्सल है और इस पे ये एलएचबी का पहिया है और यहां एक ब्रेक डिस्क होता है और यहां एक ब्रेक डिस्क लगा होता है। तो ये एक पहिये पे तो हो गया एक, एक पहिये पे तो हो गया एक, और ये अब एक्सल की बात कर रहा है कि एक एक्सल में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। तो अब ये हो गया आपका एक्सल और ये हो गया व्हील। व्हील की बात करें तो एक व्हील पर एक ब्रेक डिस्क, एक व्हील पर एक ब्रेक डिस्क, और यदि एक्सल पे बात करें तो ये आपका एक एक्सल हो गया, ये पूरा इस पहिए से लेकर के इस पहिए तक, तो इस पे एक तो ये हो गया ब्रेक डिस्क, एक ये हो गया। तो इस हिसाब से हम देखें तो दो ब्रेक डिस्क होते हैं, दो ब्रेक डिस्क होते हैं, दो ब्रेक डिस्क होते हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा बी, दो ब्रेक, 28 में बी आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच टाइप ऑफ सीबीसी सेंटर बफर कपलर, सीबीसी की फुल फॉर्म होती है आपके सेंटर बफलर कपलर, इज फिटेड इन एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोच में किस टाइप का सीबीसी लगा होता है। तो वो होता है आपके एच टाइप का सीबीसी लगा होता है, जो एलएचबी में जो आपका सीबीसी होता है सेंटर बफलर कपलर, तो ये होता है एच टाइप का। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 है, द सीबीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोचेज हैज, एलएचबी कोचेज के सीबीसी में फीचर होता है, तो वो होता है एंटी क्लाइंबिंग, एंटी क्लाइंबिंग, एंटी क्लाइंबिंग। तो एंटी क्लाइंबिंग का यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलएचबी कोच के सीबीसी में फीचर होता है तो वो एंटी क्लाइंबिंग होता है। तो ये ऑप्शन सी 30 में आपके सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर जो 31 है, द मेंटेनेंस डन ऑन पिट लाइन्स इज, पिट लाइन में किया जाने वाला मेंटेनेंस है, पिट लाइन में कौन सा मेंटेनेंस करता है वो पूछ रहा है। तो पिट लाइन में हम कौन सा मेंटेनेंस करते हैं, सेकेंडरी मेंटेनेंस केवल, सेकेंडरी मेंटेनेंस होता है राइट, प्राइमरी मेंटेनेंस केवल ये भी होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होता है पिट लाइन पे। सेफ टू रन ओनली, नहीं ये तो होता ही नहीं है, डी में है ए एंड बी फॉर अबो ओनली, ए और बी केवल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा 31 में वो डी करेक्ट बनेगा, जो पिट लाइन में आपका जो मेंटेनेंस होता है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों
होता है। यहाँ ऑप्शन आपका डी बन जाएगा 31 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, द मेन फंक्शंस ऑफ एंटी रोल बार इज, एंटी रोल बार का मुख्य कार्य क्या है। तो एंटी रोल बार का जो मुख्य कार्य है वो देख लेते हैं, टू अलाउ रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, कोच के रोलिंग एक्शन को होने देना नहीं, ये नहीं है। टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, रोलिंग के एक्शन को रोकना है, ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। टू प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ फॉर बोगी, बोगी को मजबूती कर देना नहीं। टू नेगोशिएट द ट्रैक करो, नहीं ये भी नहीं करता है, ट्रक करोवर को नेगोशिएट करना नहीं। आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ करेक्ट आंसर है, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, कोच के रोलिंग एक्शन को रोकना, ये एंटी रोल बार का मुख्य कार्य है। तो 32 में आपके यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 33 है, व्हील टेपिंग इज डन टू डिटेक्टेड, व्हील की टेपिंग डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए की जाती है। तो कोई भी हेयर लाइन क्रेक, एनी हेयर क्रेक, राइट, ये आपका करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा। एनी मटेरियल फ्लो नहीं, एनी व्हील सेलिंग, कोई भी व्हील सेलिंग नहीं, ऑल द अबव उपरोक्त सभी नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। इस हिसाब से हम देखें ऑप्शन ए इज यहाँ करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 34 है, द एनआरवी इज प्रोविडेड इन, एनआरवी लगाई जाती है नॉन रिटर्न वाल, एनआरवी होता है आपका नॉन रिटर्न वाल, नॉन रिटर्न वाल होता है, ये नॉन रिटर्न वाल होता है। तो ये कहाँ पर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है आपके एपी लाइन में, एपी का मतलब फीड पाइप, फीड पाइप लाइन में लगाया जाता है, फीड पाइप, फीड पाइप लाइन में लगा जाए। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट बैठ रहा है। 35 है, चेकिंग ऑफ व्हील प्रोफाइल बाय गेज इज डन, व्हील प्रोफाइल की चेकिंग किस गेज द्वारा, चेकिंग गेज द्वारा कब की जाती है। तो इसमें आपका डी शेड्यूल और डी टू शेड्यूल और डी वन डी टू एंड डी थ्री शेड्यूल, डी थ्री शेड्यूल। तो ये व्हील प्रोफाइल की चेकिंग गेज द्वारा कब की जाती है, तो ये आपके डी वन डी टू डी थ्री शेड्यूल तीनों में की जाती है। यहाँ आपके 35 में सी आंसर इज करेक्ट है। डी वन का जो होता है, डी वन का होता है आपके वन मंथ प्लस माइनस 3 डेज होता है, और डी टू का होता है आपके 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज होता है, और डी थ्री का होता है आपके 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज होता है, और आयोज का होता है आपके 9 मंथ प्लस माइनस 1 मंथ, 1 महीना 1 मंथ होता है, और पीओज तो आप जानते ही हैं 18 महीने पे होता है, पीओज आपके 18 मंथ पे होता है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी समरी मैंने आपको बता दी है, अलग से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ड्रेनिंग ऑफ एयर टैंक इज डन इन, एयर टैंक को ड्रेन किस शेड्यूल में किया जाता है। वेरी गुड प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, सुपर हिट है और बहुत ही अच्छा मोस्ट भी है। तो एयर टैंक को ड्रेन किस शेड्यूल में किया जाता है, तो मैंने आपको यहाँ शेड्यूल बता दिया, ये ऊपर देखा होगा डी वन डी टू डी थ्री, तो आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो डी वन डी टू डी थ्री होगा, तो इस हिसाब से आपका यहाँ सी आंसर बैठ रहा है। प्रश्न नंबर 37 साथियों, विथ रेस्पेक्ट टू किलोमीटर्स
फ्रीक्वेंसी ऑफ SS थर्ड इज किलोमीटर के आधार पर एसिड शेड्यूल कब होता है? तो अपने यहाँ सारी जानकारी ले लेते हैं। SS1 होता है आपके, इसको डेड ईयर बोल सकते हैं अपन, डेड ईयर बोल सकते हैं, और मंथ की बात करें तो आप इसको 18 मंथ ले सकते हैं, 18 मंथ, और 6 लाख किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। फिर SS2 के लिए हम ले सकते हैं 3 ईयर, 3 ईयर का मतलब यहाँ 36 मंथ, 36 मंथ और 12 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर। और SS3 ले सकते हैं हम 6 ईयर, 6 ईयर का मतलब 72 मंथ, और यहाँ ले सकते हैं 24 लाख किलोमीटर, 24 लाख किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है अपने को, SS3 पूछ रहा है किलोमीटर, तो किलोमीटर SS3 का 24 लाख किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका 24 लाख किलोमीटर है। तो ये रामायण जो बताई मैंने आपको, ये पूरी रामायण बता दी है। अब इस रामायण में से क्या पूछ रहा है वो उठा लो। तो यहाँ इन्होंने विथ रेस्पेक्ट टू किलोमीटर फ्रिक्वेंसी ऑफ SS3 इज, यानी किलोमीटर के आधार पर SS3 शेड्यूल कब होता है, तो किलोमीटर के आधार पर 24 लाख किलोमीटर दे रखा है। और यदि वो ईयर पे पूछता तो 6 ईयर आ जाता, जिसको अपन बेहतर मंथ भी बोल सकते हैं, बेहतर मंथ। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका 37 में, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये RDSO पूछा है, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपके लखनऊ में है, लखनऊ में है, जो कि यूपी में पड़ता है। ये आपके लखनऊ में है, जो कि यूपी में है, यूपी उत्तर प्रदेश। तो ये 38 में आपका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, लखनऊ, लखनऊ यूपी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, इतना तो आप जानते ही। 39, क्वेश्चन नंबर 39, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉपेज, यानी यात्री बीजी कोचिंग स्टॉप का मानक व्हील गेज क्या है? तो मानक व्हील गेज यहाँ 1600 mm होता है, लेकिन इसी में अगर वो आपको मिनिमम और मैक्सिमम पूछे तो फिर आप सोचना प्लस माइनस, प्लस 2 और -1 होता है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया है। अब क्या करेंगे, ये 16 तो होता है इसका स्टैंडर्ड गेज, अगर वो मैक्सिमम पूछे तो प्लस में 2 जुड़ जाएंगे, यानी 1602 हो जाएंगे। मैक्सिमम पूछता है तो 1602 हो जाएंगे, और मिनिमम में -1 बताया मैंने आपको, -1, +2 -1, तो -1 करेंगे 1600 में तो 1599 आ जाएंगे। तो ये 1599 mm है, ये मिनिमम है, और ये 1602 है, ये आपके मैक्सिमम है, ये यहाँ ध्यान रखिएगा। 1 प्रश्न से यहाँ 3 प्रश्न बनते हैं आपके। तो यहाँ फिलहाल पूछा है जो स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछा है, स्टैंडर्ड व्हील गेज आपका 1600 mm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एट वाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोचिज, कोच की इंटेंसिव क्लीनिंग कब की जाती है? तो कोच की जो इंटेंसिव क्लीनिंग की जाती है वो आपके की जाती है 1 मंथ पर, 1 महीने के अंतराल पे की जाती है, ध्यान रखिएगा। पानी की टंकी की सफाई भी 1 महीने के अंतर्गत की जाती है, दोनों चीज ध्यान में रखना। अगर वो पानी की टंकी का पूछे तो भी 1 महीना, और कोच की इंटेंसिव क्लीनिंग पूछे तो भी 1 महीना, तो यहाँ दोनों का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग कोच वाटर टैंक, ये लो वाटर टैंक का भी लगे तो ये पूछ लिया, तो ये 1 महीना आ जाएगा, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया। तो यहाँ सी आंसर इज करेक्ट। दूसरा है, ट्रांसपोर्शन कोड ऑफ द पेंट्री कार, पेंट्री कार का आपका WCB होता है, मैंने कई बार आपको बताया है, कई वीडियो में बताया है, ये मोस्ट है और सुपर हिट पर्सन है। ये पेंट्री कार का WCB होता है, और RA ये प्रशासनिक कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, ये भी मैक्सिमम बार पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ARP का पूछा जाता है, इसका एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। एक आपके ARMY, ARMV का पूछा जाता है, तो
एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होता है, और एक आपके ARME पूछा जाता है, तो ये एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होता है औजार, और एक आपके स्पाल्ड का पूछा जाता है, ये हो गया आपका स्पाल्ड। इसका होता है सेल्फ प्रोपल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, सेल्फ प्रोपल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो ये मैंने सारो आपको मुख्य मुख्य बता दिया है, ध्यान रखें, और बाकी कोड तो आप जानते ही हैं, ये मुख्य थे इसलिए बताया। प्रश्न जो 43 है वो देख लेते हैं। विच पार्ट इज नॉट यूज इन ICF ट्रोली, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, ट्रोली में किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये जो ड्रिंक लिंक है, सुपरेट प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा आप, ये सुपरेट है और मैक्सिमम बार हर डिवीजन में ये आता है। ऐसे प्रश्नों को आप रट ही लो या डायरी मेंटेन कर लो, उनको लिख लो, मैं पेपर में बताते जाऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ARTE, ARMV, WCB, RA, ARME, स्पाल्ट, SPRT, और वैसे ही आपका ड्रेग लिंक है। तो यहाँ 43 में आपका डी आंसर हो जाएगा। इसमें ये ऐसे प्रश्नों में सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर लगाओ। प्रश्न नंबर जो 44 है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेज, ब्रेक गियर पिन और बुशेज के बीच अधिकतम अनुमेय क्लियरेंस कितना होता है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपके 1.5 mm होता है। ये जो पूछ रहा है ना ब्रेक गियर पिन और बुशेज में, ये 1.5 mm का होता है, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है। द लेंथ और बफर ऑफ ICF RCF कोचिज, ICF RCF कोच का लंबाई और बफर कितना है? तो यहाँ ICF RCF पूछा है, इसलिए कोच का लंबाई ओवर बफर पूछा है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 22,297 mm। ये है 22,297 mm। इस हिसाब से आपका यहाँ ऑप्शन ए बैठ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड इसी ICF RCF कोच, तो इसका भी आंख मीच के लगाएगा। एक कोच में 4 इमरजेंसी विंडो होती है, चाहे वो GS हो और चाहे वो स्लीपर हो, CN हो, 4 होती हैं, ध्यान रखिएगा, 4 होती है इमरजेंसी खिड़की एक कोच में। तो आपका यहाँ सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। व्हाट इज पर्पज ऑफ मैन्युटरी, इसको रट लीजिएगा, इस प्रश्न को डायरी में लिख लीजिएगा। ये प्रश्न सुपरहिट हो चुका है और ये हर डिवीजन में देखने को मिलता है, तो इसका डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए आता है, इसको डायरी में लिख लीजिएगा। ये प्रश्न बार बार मैक्सिमम बार रिपीट होता है। और जो आपका तो यहाँ 47 में आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर जो 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है। नेम द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन वोल्टेज, एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी का नाम बताइए। तो ये आएगा आपका क्लियरेंस ए, क्लियरेंस ए आएगा आपके, क्लियरेंस ए, ये इसका राइट आंसर है। तो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफलर कपलर, एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? तो ये प्रश्न भी आप डायरी में लिख लीजिएगा, सुपर हिट हो चुका है ये प्रश्न और ये बार बार रिपीट होता है मैक्सिमम बार, तो इसका सीधा सट आंसर है नकल, सबसे कमजोर कड़ी, सेंटर बफर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? तो वो है नकल। इसका राइट आंसर डी, और ये हर पेपर में हर डिवीजन में लगभग पूछा जा रहा है, ये सुपरहिट हो चुके हैं प्रश्न, पूछते पूछते सुपरहिट हो गए, तो ये रट लीजिएगा आप ऑप्शन बी।
वीकेस्ट लिंक ऑफ द एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बपलर कपलर नकल। प्रश्न नंबर 50 है साथियों, परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायामीटर फॉर पावर कोच इन द सेम एक्सल ऑन बीजी कोच इज, बीजी कोच पर एक ही एक्सल में पावर कोच के लिए व्हील ट्रेड यास में अनुमत बदलाव है। तो ये होगा आपके 0.50 mm हो जाएगा साथियों, यानी 0.50 हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में ये आपके है। तो यहां जो आपका उत्तर बनेगा वो सी आंसर बनेगा। तो चलिए साथियों, इस पार्ट में हमने जो पार्ट पहला था, पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने 1 से 50 तक सोल्व कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो 51 से 100 तक का होगा, और राजभाषा का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।